हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तड़का ऑन माय प्लेट। आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन फ्राइड राइस कॉम्बो, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। ये एक बहुत ही आसान रेसिपी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए पहले देख लेते हैं मंचूरियन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आधा कप बारीक कटी शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटी बीन्स, आधा कप बारीक कटी गाजर और आधा कप बारीक कटी पत्ता गोभी। यहाँ पे हमने लिया है 2 हरी मिर्च जिसे बारीक काट लिया है, 8 से 10 कलियां लहसुन की बारीक कटी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक क्रश कर लिया है और आधा कप मैदा, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार, रिफाइंड ऑयल और साथ ही में यहाँ पे लिया है वेज मंचूरियन मसाला। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कुछ मिली जुली सब्जियाँ, बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च मंचूरियन की ग्रेवी के लिए। कढ़ाई में हमने यहाँ पे 1 कटोरी तेल ले लिया है जिसे हम गर्म होने रख देंगे। 1 मिक्सिंग बोल में हमने बारीक कटी पत्ता गोभी, बीन्स, बारीक कटी शिमला मिर्च और बारीक कटी गाजर को ले लेना है। इसे मिक्स कर लें और अब इसमें 2 चम्मच मैदा मिला दें। मैदा एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। 1 चम्मच क्रश करी हुई अदरक, इसे मिक्स कर लें और साथ ही में थोड़ी सी काली मिर्च करीब 1/2 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से इन्हें मिला लेना है। अब हम इसमें 2 चम्मच मैदा और डालेंगे और फिर से मिला लेंगे, तो टोटल हमने इसमें 4 चम्मच मैदा यूज़ किया है। मिक्सचर रेडी होते ही इसके छोटे इस तरीके से बॉल्स बना लेने हैं। देखिए इस तरीके से बॉल बना लें, सारे बॉल्स हमने रेडी कर लिए हैं और अब इन्हें फ्राई करने से पहले हम इस पर मैदा डस्ट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। एक्सेस मैदा को हाथ से इस तरीके से हिलाते हुए बॉल्स को हटा लें, एक्सेस मैदा नहीं रहना चाहिए इनके ऊपर चिपका हुआ। सारे बॉल्स को मैदे में कोट कर लें और अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। लो टू मीडियम फ्लेम ही रखें, हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनके ऊपर इस तरीके से तेल डालते रहें और गोल्डन होने तक इन्हें हमें फ्राई करना है, बिल्कुल इस तरीके से। बस मंचूरियन बॉल्स फ्राई होकर रेडी हैं, इन्हें निकाल लिया है हमने, सारे बॉल्स हमने फ्राई करके रख लिए हैं। अब मंचूरियन मसाला को हमें इस तरीके से एक बोल में ले लेना है और हम इसमें डालेंगे करीब 1 कप पानी। 1 कप पानी हम डालेंगे इसको अभी मिक्स करते वक्त। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें, उसमें डालें बारीक कटी लहसुन करीब 1 बड़ा चम्मच और इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। अब डालें इसमें कुछ सब्जियां, शिमला मिर्च, थोड़ी मोटी कटी सब्जियां लेनी है, गाजर और बीन्स। इन्हें सौते कर लें 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट सौते होने के बाद सब्जियों को इसमें हम डाल देंगे जो पेस्ट हमने बनाया था। इसे मिला लें। 1 चम्मच हरी मिर्च, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी और हमारी मंचूरियन बॉल्स। इसे मिक्स कर लें और एक बॉईल आने तक पका लें। रेडी हमारा मंचूरियन। चलिए अब देख लेते हैं फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने लिया है 3 कटोरी पहले से उबले हुए चावल, बड़े कटे हुए शिमला मिर्च, कुछ बीन्स और 1 गाजर जिसे हमने मोटा काट लिया है, 2 हरी मिर्च, 8 से 10 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 1 नींबू का रस निकाल के रख लिया है, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च, रिफाइंड ऑयल, साथ ही में 1 चम्मच चीनी और डार्क सोया सॉस। 1 कढ़ाई में इस तरीके से 2 बड़े चम्मच तेल डाल दें, उसमें डालें 1 चम्मच बारीक कटी लहसुन। इन्हें थोड़ा सा चला लें गोल्डन होने तक। अब हम इसमें हमारी सब्जियां डाल देंगे, शिमला मिर्च, बीन्स और गाजर। इन्हें भी सौते कर लेंगे। सब्जियां हमें थोड़ी क्रंची रखनी है, ज़्यादा पकाना नहीं है हमें, तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे बस। और अब स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन्हें मिला लें। हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए और 1 नींबू का रस। इन्हें भी मिक्स कर लें।
साथ ही डालें इसमें 2 बड़े चम्मच सोया सॉस। अब हमने जो पहले से उबाले हुए चावल रखे थे करीब 3 कटोरी उसे डाल दें और अच्छे से मिला लें। चावल को फोल्ड करते हुए इस तरीके से मिलाना है ताकि चावल टूटेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए इसे मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। रेडी है हमारा मंचूरियन फ्राइड राइस कॉम्बो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मंचूरियन फ्राइड राइस।